पर फिर भी थोड़ी मेहनत कर लिया करें क्योंकि ये फिर मुझे भी एक नई जगह पे काम करने का एक मोटिवेशन जो है वो भी मुझे यहीं से मिलता है ठीक है चलिए सवालों की तरफ चलते हैं आई होप ऑल गुड गो सवाल बताइए इसका आंसर कंट्री इन द आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है हरी मुहा शक्ति विद इंडिया इसका जो आयोजन है वो उमरोई के अंदर हुआ था ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इसका आयोजन किसके साथ में होता है मलेशिया के साथ में अभी कंडक्ट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट उद्भव आपको बताना है अभी हाल ही में ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया आप सबको ध्यान होगा कि दिल्ली के अंदर एक मिलिट्री एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई या फिर मिलिट्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया जो कि पहला एडिशन था वहीं पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज रिसीव थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज इंडियन नेवी उसका नाम क्या है डिस्ट्रॉयर का नाम क्या हो जाएगा इम्फाल क्या नाम है इम्फाल नेक्स्ट पे आइए विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेल गन वो भी ऑफ वाली रेल गन तो बहुत सारी कंट्रीज के पास में लेकिन ऑफ शोर वाली जो है वो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार किसने जापान ने लॉन्च की है इसका आंसर होगा जापान मैंने अभी आपको पढ़ाया था दो तीन दिन पहले

हमास गाजा पट्टी की तरफ उसका नाम क्या था आयरन सॉर्ड उसका नाम था आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है तो ये हो जाएगा आपका इसराइल डिफेंस फोर्सेस नेक्स्ट पे आइए कंट्री टेस्टेड इट्स न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल बताइए शॉर्ट रेंज आयरन बीम मिसाइल इसका राइट right आंसर क्या होगा इसराइल ने अभी हाल ही में उसको टेस्ट किया था इसराइल के पास में आप देखोगे तो आपको आयरन डोम भी देखने को मिलेगा अगला वेयर वॉज द फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड वो भी बी का जहां पे अभी तक कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी तो इसको शियाचिन ग्लेशियर पर इंस्टॉल किया गया है मेहरबानी करके इसका आंसर के टू मत मार्क करिएगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्लेस है प्लेस कौन सी है शियाचिन ग्लेशियर अगला विच बेटालियन प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रानी खेत तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागा रेजिमेंट जो है इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया अगला वेयर द राउंड ऑफ इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स देखो भाई जब से गलवान वैली वाला हुआ है उसके बाद से आप देखेंगे तो हर तीन से चार महीने पे इंडिया और चाइना के बीच में पीस टॉक कंडक्ट की जाती है ये लद्दाख वाले एरिया में आपसे कहा जा रहा है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया पैगोंगसो लेक जो है ये एक वाटर बॉर्डर है जो कि आपको इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है अगला विद व्हिच ऑफ दी कंट्रीडिड इंडिया साइन कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन डिफेंस इसका करेक्ट आंसर है भाई इटली के साथ ही होगा सोचने की बात ही नहीं है है ना नेक्स्ट पे आइए व्हिच इंडियन कंपनी डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट ट्रेनर वर्जन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टू इंडियन एयर फोर्सेस किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया ध्यान दीजिएगा ये ट्रेनिंग के लिए है ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट वो वाला तेजस नहीं है जिसके ऊपर आपको भी एक मूवी भी देखने को मिल रही है ना कौन एक्ट्रेस कौन है जरा बताना तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका मेन सेंटर आपको कहां मिलेगा बेंगलुरु के अंदर मिलता है अगला ऑफ दी फॉलोइंग फाइटर जेट रिटायर्ड बाय इंडियन एयर फोर्सेस किसको अभी हाल ही में रिटायर करने के लिए बोला गया अभी जब आपने देखा एट ऑफ अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे जो है इसको सेलिब्रेट किया गया कहां पर प्रयागराज में कहा प्रयागराज के अंदर वहीं पर यह अनाउंसमेंट किया गया था इसका आंसर है मिक 21. अगला, for कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है यहां पर इंडियन फोर्सेस को इसका आंसर है टू पॉइंट फाइव से लेकर थ्री लाख के बीच में ये अमाउंट दिया गया आगे करोड़ लगा लीजिएगा अगला डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इसका आंसर होगा तरुण सोबती अगला C295 आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि एयर बस का जो सेंटर बनेगा जहाँ पर गुजरात है ना गुजरात के अंदर वडोदरा में जहाँ पे एयर बस के जो लाइक एयरक्राफ्ट होंगे उनको कंपाइल करने का काम किया जाएगा तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किसने किया तो ये भी क्या हो जाएगा एयर बस इसका आंसर बनेगा कहा की कंपनी है दिस इज ऑफ फ्रांस नेक्स्ट पे आइए विच कंट्री इन वील इट्स कटिंग एच बेटल टैंक जिसका नाम है बराक बताइए जिसका नाम है बराक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसराइल बराक के नाम से इंडिया के पास में भी आपको मिसाइल देखने को मिलेगी जिसको यहाँ पे इसराइल के साथ में मिलकर डेवलप किया गया अगला कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है क्या ध्रुवस्त्र मिसाइल बताइए इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा डैक ने यहाँ पर इसको अभी हाल ही में अप्रूव देखो कोई भी डिफेंस वेपन होता है उसको अप्रूवल आपको इनके ही द्वारा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रबल यह भी अभी न्यूज में था लेकिन सितंबर से पहले था तो प्रबल में भी आप देखेंगे तो वो क्या है गन है जिसको कानपुर के अंदर डेवलप किया गया नेक्स्ट पे आइए वेयर आर इंडियन नेवल वेसिलइम पेट्रोल आपको बताना है थर्टीएथ एडिशन ऑफ सिम्बिक्स सिम्बेक्स इसका आंसर होगा सिंगापुर ये एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की जाती है अगला आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है साउथ नचूना सी में आसियान के देशों के साथ में आसियान में फिलहाल आप देखेंगे तो आपको 10 कंट्री मिलेंगी वैसे इसमें एक और जोड़ने वाला है दैट इज ईस्ट तैमूर लेकिन अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है तो ये हो जाएगी इंडोनेशिया क्योंकि आसियान की बैठक अभी हाल ही में जकार्ता के अंदर कंडक्ट की गई है सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाई द इंडियन पोस्ट गार्ड एट आंसर क्या हो जाएगा सज़क। सज़क नाम से West पे कंडक्ट किया गया। पैरा स्पेशल फोर्सेस इन इंडिया आर्मी फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा मेजर डॉक्टर पायल नेक्स्ट total टोटल वैल्यू ऑफ accusation? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑन ऑफ सिस्टम आपको बताना है ऑल टेरेन मतलब कैसा भी लोकेशन हो कैसा भी टोपोग्राफी हो वहां पर ये काम करेगा तो इसको लास्ट इन टर्बो ने एल एन टी के द्वारा डेवलप किया गया Military Alliance, मिलिट्री लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर इन 2024 ये कौन कंडक्ट करेगा तो ये नाटो के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा नाटो में टोटल number of countries कितनी हो चुकी है 31 कंट्री कौन सी अगला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एडम स्मिथ हो जाएगा भाई देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर क्यों यूज किया गया है उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि आजकल जो आपका ये डिफेंस सिस्टम होता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए चीजें की जा रही है तो इसमें एक क्वेश्चन ये किया था अगला विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च आर अटैक क्या हो जाएगा इसका आंसर नॉर्थ कोरिया ही होगा अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए अंडर सी चाइना क्या कर रहा है तो अंडर सी चाइना एक टेलीस्कोप को इंस्टॉल कर रहा है जो क्या करेगा घोष पार्टिकल की स्टडी करेगा ट्राइडेंट के नाम से अगला विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन वरुण 2023 जो कि है एक नेवल एक्सरसाइज वरुण है गरुण है शक्ति है ये सब की सब किसके साथ में होंगी फ्रांस के साथ में होंगी और डेजर्ट नाइट अगला व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट एक्सरसाइज आइन एस सुमेधा ने जहां पे पार्टिसिपेट किया है कहा इजिप्ट के अंदर आपको बताना है उसका नाम क्या है इसका नाम है ब्राइट स्टार 2023 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो है लेकिन आपका क्या है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है अगला व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन एयर फोर्सस एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज नॉर्थ एंड वेस्टर्न सेक्टर इसका आंसर क्या होगा त्रिशूल ये इंडिया की डोमेस्टिक है ठीक है तो यहां तक मैंने आपको सितंबर अक्टूबर का जितना कंटेंट था 2023 का वो आपको रिकॉल करा दिया आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह सात बजे और उसके बाद में आपका रात में आठ बजे एक नया टॉपिक आपको मिलेगा रिविजन के लिए टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग बाय बाय एंड केयर टू ऑल